प्यारे दोस्तों, क्रिकेट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत की शुरुआत की है। उसने अफ्रीकी टीम को हरा के सीरीज में 1-0 से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा मैच 19 दिसंबर को गक बेहरा के में खेला जाएगा। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और अवेश खान की जोड़ी ने घर बरपा दिया। दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए। 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इन दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद साई सुदर्शन ने डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाकर मैच को समाप्त किया और श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक की पारी खेली। दोस्तों, जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कम्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम 116 रन पर सिमट गई। जवाब में टीम इंडिया ने 16.4 ओवरों में 117 रन बना के मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5 साल बाद उसके घरेलू मैदान पर वनडे में हराया। 2018 में सेंचुरियन के मैदान पर टीम इंडिया को पिछली जीत मिली थी। उसके बाद 2022 में लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, बताते चलें कि भारत की जो पारी में 200 रन गेंद शेष रह गए थे, तभी उसने जीत हासिल कर ली। वनडे में शेष गेंद रहते हुए दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2008 में इंग्लैंड के नॉटिंघम में 215 गेंद शेष रहते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत लिया था। वही गेंद शेष रहते हुए भारत की चौथी बड़ी जीत है। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 263 गेंद, 2001 में केन्या के खिलाफ 231 गेंद, 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 211 गेंद और अभी 200 गेंद शेष रहते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराया है। प्यारे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से मिले 117 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा, जब वह चौथे ओवर में 5 रन बना के वियान वोल्डर्स का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। अय्यर ने आक्रामक रवैया अपनाया, इससे सुदर्शन को आराम से खेलने का मौका मिल गया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की और अय्यर 111 रन के स्कोर पर आउट हुए। वह मैच को फिनिश नहीं कर पाए। अय्यर ने 45 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। सुदर्शन 43 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 9 चौके लगाए। तिलक वर्मा 1 रन बना के नाबाद रहे और दक्षिण अफ्रीका के लिए वियान बुमराह और एंडिले मतमर से 1-1 विकेट मिले। दोस्तों, अगर हम बात करें साई सुदर्शन की, तो साई सुदर्शन भारत के लिए अपने पहले वनडे में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले 17वें बल्लेबाज बन गए हैं। वो भारत के चौथे ओपनर हैं जिन्होंने डेब्यू वनडे में 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेली है। रॉबिन उथप्पा 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन बनाए थे। केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ 2016 में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 2016 में फैज फजल ने नाबाद 55 रन बनाए थे। अगर हम बात करें अर्शदीप और आवेश की, तो भारत के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने कमाल ही कर दिया। दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए। अर्शदीप को 5 और आवेश को 4 विकेट मिले। पारी के दूसरे ओवर में ही अर्शदीप ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके और इस ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने रिजा हेनरिक को बोल्ड किया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट पर जा लगी और रिजा खाता भी नहीं खोल सकी। इसके बाद अगली गेंद पर अर्शदीप ने रशी वॉन्स और को LBW आउट किया और वह भी खाता नहीं खोल सके। अर्शदीप हैट्रिक का मौका चूक गए। टोनी डी डार्जी ने अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन अर्शदीप ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। अर्शदीप ने टोनी डी जॉर्जी को विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच कराया। वो 22 गेंदों पर 28 रन बना सके। इसके बाद पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने हेनरिक क्लासन 6 को बोल्ड किया। अर्शदीप का जो घर है, उसके बाद आवेश खान की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। अफ्रीकी पारी के 11वें ओवर में आवेश खान भी हैट्रिक से चूक गए। शुरुआती 2 गेंद पर उन्होंने एडन मार्कम्स और वियान बुकन को पवेलियन भेजा। आवेश ने भी डेविड मिलर को विकेट कीपर राहुल के हाथों में कैच कराया। मिलर 2 रन बना सके। इसके बाद केशव महाराज 4 रन बनाया और उन्होंने चौथा शिकार अपना बनाया आवेश खान ने। अर्शदीप को 5वीं सफलता मिली 26वें ओवर में मिली। उन्होंने मैदान पर जम चुके एंडिले हैकीबाहो को LBW आउट किया और वह 49 गेंदों में 33 रन बना के आउट हुए। वहीं कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया। आवेश 5 विकेट नहीं ले सके। दोस्तों, इस प्रकार हमने पहले T20 मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया है। अगला जो मैच है 19 दिसंबर को खेला जाएगा। दोस्तों, आगे भी हम कंटेंट सबके लिए लाते रहेंगे। अगला जो मैच है 19 दिसंबर को खेला जाएगा, उसके बारे में आपको उसका प्लेइंग 11 क्या है, उसमें उसके हाईलाइट्स क्या रहेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।